Hello, Macho. Hope you all are doing good. Today, we are doing a chapter named Natural Vegetation and Wildlife. Okay, what we are going to read in this chapter about vegetation, about grasslands, about desert vegetation, forest desert and about protecting natural vegetation and wildlife okay अब मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद नेचुरल वेजिटेशन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का क्या मतलब है जो प्रकृति ने जो हमें जंगल दिए हैं पेड़ पौधे दिए हैं और उनमें रहने वाले जो जंगली जानवर हैं उनको हम नेचुरल वेजिटेशन और नेचुरल वाइल्ड लाइफ के नाम से जानते हैं ओके तो हमारा जो अर्थ का मेजोरिटी ऑफ पार्ट है वो नेचुरल वेजिटेशन से कवर्ड है जिसमें बहुत सारे पौधे आते हैं ठीक है इट इज़ द प्रीमियल प्लांट कवर अनएफेक्टेड इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय मैन जो ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जहाँ पर ह्यूमन बींग का मैन का कोई इफेक्ट नहीं होता उसको नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं ठीक है जो अपने आप उगती है एंड इट टेंड्स टू इंक्लूड ट्रीज़ प्लांट्स शॉप ग्रासेस फॉरेस्ट फ्लार्स एट्सट्रा नेचुरल वेजिटेशन प्रोवाइड बेस फॉर

Vegetation, natural vegetation, refer to the assemblies of plant species living in association with each other in a given environmental frame. Environment provides a base for the growth and development of natural vegetation, and various physical factors help in this. बहुत सारे जो प्लांट एंड ट्रीज़ हैं वो अपने आप से ग्रो हो जाते हैं विदाउट ह्यूमन बींग तो नेचुरल वेजिटेशन क्या होगी बहुत सारे टाइप के अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे एक ही जगह पर ग्रो होना विद द इन्वायरमेंट एस्पेक्ट्स उसको क्या कहते हैं वेजिटेशन तो वेजिटेशन जो है वो अलग अलग एरिया पर फिज़िकल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन जैसे कि सॉयल कैसी है वहाँ की टेम्परेचर कैसा है क्लाइमेट कैसा है या रेनफॉल कैसी है ओके द लीव्स ट्रिंग्स एंड अदर द लीव्स ट्विग्स एंड अदर वेस्ट ऑफ ट्रीज बिकम अ सप्लीमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ स्मॉलर प्लांट्स एंड शब बीनीथ इन दिस वे दे सप्लीमेंट ईच अदर पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ हैं या जो श्रब हैं ये एक दूसरे का आपस में साथ देती हैं और एक दूसरे की हेल्प करती है जिससे नेचुरल वेजिटेशन ग्रो करती है ओके okay? अब हमने नैचुरल वेजिटेशन को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया है दैट इज़ इन क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फर्स्ट इज फॉरेस्ट फॉरेस्ट क्या होते हैं जंगल फॉरेस्ट ग्रो वेयर रेनफॉल एंड टेम्परेचर आर इन एबेंडेस टू सपोर्ट वेजिटेशन डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन द दिस वेजिटेशन फॉरेस्ट जहाँ पर बहुत सारी बारिश होती है और जो टेम्परेचर बढ़िया होता है जहाँ का जिससे बहुत सारी वेजिटेशन ग्रो होती है बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं उसको फॉरेस्ट का नाम दिया गया है सेकेंड इज ग्रासलैंड लैंड जहाँ पर मॉडरेट रेन होती है ना बहुत ज़्यादा ना कम वहां पर ग्रास लैंड्स होती हैं थर्ड इज श्रब द श्रब्स एंड स्क्रब ऑल्सो ग्रो इन ड्राई रीजन जहाँ पर बारिश नहीं होती या बहुत कम होती है वहाँ पर श्रब्स ग्रो होते हैं ओके विद इन दीज थ्री ब्रॉड कैटेगरी दे आर सेवरल रीजनल वेरिएशन इन नेचुरल वेजिटेशन नेचुरल वेजिटेशन कैन हैं फोर बी फर्दर सब डिवाइडेड इन टू सर्टेन डिस्टिंग कैटेगरी इन तीन कैटेगरी में डिवाइड होने के बाद भी हमारे पास हजारों लाखों की संख्या में वेजिटेशन है उनको इसीलिए हमने फर्दर आगे भी डिवाइड किया है ओके okay? हाँ हम फर्स्ट बात करते हैं अबाउट द फॉरेस्ट फॉरेस्ट यानी कि जंगल फॉरेस्ट अलग अलग टाइप के होते हैं फर्स्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हैं फॉरेस्ट आर फाउंड इन इक्वेटोरियल रीजन जो इक्वेटर के आसपास के जो एरिया है जैसे कि एमेजोन एंड ऑर्निको रिवर बेसिन इन साउथ अमेरिका है या कोगो बेसिन इन अफ्रीका एंड द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री ऑफ इंडोनेशिया मलेशिया जो इक्वेटोरियल रीज़न है इक्वेटर के पास जो रीज़न है वहाँ पर कौन से फॉरेस्ट आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट कंडीशन कैसी होती है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है जिसके कारण डेली बारिश आती है एंड ह्यूमिडिटी के कारण रेनफॉल होती है और रेनफॉल के कारण थिक ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन होती है क्या क्या फीचर्स हैं यहाँ के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ड्यू टू ह्यूमिड क्लाइमेट अ मैक्सिमम वेराइटी एंड नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रोन हेयर ह्यूमिडिटी होती है बहुत ज्यादा तो रेनफॉल ज्यादा होती है तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे ट्रीज ग्रो क्लोज टू ईच अदर देयरफॉर फोर सनलाइट कैन नॉट पेन्ट्रेट द फॉरेस्ट फ्लोर दिस ऑल्सो रिजल्ट इन एबसेंस ऑफ ग्रास इन दिस फॉरेस्ट ट्रीज जो हैं इतने सारे ट्रीज होते हैं और इतने बड़े होते हैं वो आपस में एक कनोपी बना लेते हैं कनोपी मतलब एक ऐसे शेड uh, बना लेते हैं जो सनलाइट को ग्राउंड पर पास नहीं होने देती और ये एक रीजन ये भी है कि यहाँ पर ग्रासेस नहीं मिलता क्योंकि जो सनलाइट है वो अर्थ तक नहीं जाती है इसीलिए यहाँ पर सिर्फ प्लांट और ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे द ट्रीज आर टोल विथ थिक कनोपी और लीफ कवर एंड लार्जर ट्रंक बहुत चौड़ा बेस होता है बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं इन पेड़ पेड़ों की और बहुत थिक नोपी ऊपर से ये ढक लेते हैं ओके कौन कौन से एग्जाम्पल है कौन कौन से यहाँ पर आपको ट्री मिलेंगे महागनी एबोनी टीक एंड साल एंड रोजवुड ये पेड़ आपको मिलेंगे वाइल्ड लाइफ कौन कौन से एनिमल मिलेंगे गोरिल्लाज लैपर्ड्स एप्स मंकीज एलिफेंट्स क्रोकोडाइल्स हिपोपोटमस स्नेक्स पाइथन एनाकोंडा बहुत सारी वाइल्ड लाइफ आपको यहाँ देखने को मिलेगी ओके कम to द नेक्स्ट दैट इज़ अबाउट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ आपको मिलेंगे इनकी लोकेशन है दे आर फाउंड इन मॉनसून एशिया लाइक इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका म्यांमार थाईलैंड सेंट्रल अमेरिका पार्सो ब्राज़ील ईस्ट अफ्रीका एंड नर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होती है वोम एरियाज एंड रेनफॉल बिटवीन 100 सेंटीमीटर टू 200 हंड्रेड सेंटीमीटर फीचर्स क्या है देयर इज अ स्मॉलर नंबर ऑफ देन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसे कि हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखा बहुत सारे पेड़ थे यहां पर कम होते हैं उसके मुकाबले द ट्री शेड लीव्स ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई सीजन जब हॉट एंड ड्राई सीजन आता है तो पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं प्लांट स्टार्ट टू तो ग्रो विद तो प्लांट ग्रो करना शुरू कर देते हैं इसीलिए इनको मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं अंडर ग्रोथ इज डेंस क्लम्प ऑफ बैम्बू कैन बी सीन अंडर ग्रोथ डेंस होती है इसीलिए आप यहाँ देखोगे बैम्बू ट्री देखोगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रीज आर कौन कौन से आपको ट्री मिले गये यार टीक, साल इवोनी, सैंडलवुड एंड बैम्बूज वाइल्ड लाइफ कौन कौन से जंगली जानवर आप देखोगे टाइगर्स लैपर्स लायंस एलिफेंट्स गोर फोक्सिस लंगूर स्लोथ बियर्स डियर एंड हॉनबिल ओके कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट इज टेम्परेट एवर फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी हमेशा ये ग्रीन रहते हैं फॉरेस्ट लोकेशन पर आपको मिलेंगे एंड यूएसए ब्राजील एंड इन साउथ South America Africa and Australia climatic condition कैसी रहती है hai rainy climate throughout the year with cool winters फीचर्स क्या हैं दीज आर द मिक्स फॉरेस्ट विद हार्डवुड ट्रीज द टिम्बर ऑफ दिस फॉरेस्ट इज़ वैल्यूएबल यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट ट्री मिलेगा टिम्बर तो बहुत वैल्यूएबल है द लो लैंड हैव जनरली मिक्स फॉरेस्ट ऑफ कॉर्नीफोरेस्ट एंड डेसीडियस वायटी वाइल द हाई लैंड हैव ओनली कॉर्नीफोरेस्ट ट्रीज कॉनीफेरेस्ट जो कॉनिकल पेड़ होते हैं आपने पहाड़ों पे देखे होंगे तो हाई लैंड्स जो है वहां पर सिर्फ आपको कॉर्नीफेरेस्ट ट्रीज मिलेंगे और जो लो लैंड है यहाँ की एवरग्रीन फॉरेस्ट की वहाँ आप देखोगे मिक्सचर ऑफ कॉर्निफेरेस्ट एंड डेसीडियस वेराइटी मिलेंगी द मेन ट्रीज फाउंड आर ओक पाइन वेटल एंड द मेन एनिमल्स आर शिप एंड कैटल विच आर गुड फॉर वूल एंड मीट ओके वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ रोडेंट लाइक विवर्स माइज रेड्स स्क्रल्स चिम्पकुन्स एंड पोर्क्यूपाइंस आर कॉमन हेयर वन कैन ऑल्सो कम एकरोस मेरसुपल्स एनिमल विच पोचेज ऑन देअर बॉडी टू कैरी देयर यंग वन एंड फीड देम लाइक कंगारू इन ऑस्ट्रेलिया ओके कंगारू इन ऑस्ट्रेलिया ये एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको मिल सकते हैं नेक्स्ट इज टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट लोकेशन दे आर फाउंड इन द कूल टेम्परेट रीजन ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मार्जन ऑफ द कॉन्टिनेंट अलग अलग एरिया में आपको ये मिलेंगे जैसे नॉर्थ ईस्टर्न यूएस ए नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रीज ओके क्लाइमेटिक कंडीशन रेनफॉल इज मॉडरेट विंटर्स आर कूल बारिश मॉडरेट होती है और विंटर्स कैसी होती है यहाँ की कूल होती है फीचर्स ट्री शेड लीव्स इन ऑटम सीजन एंड रिमेन लीव लेस थ्रू आउट द विंटर ऑटम सीजन में पत्तियां गिरा देते हैं पेड़ और पूरे विंटर लीफलेस रहते हैं द कॉमन ट्रीज फाउंड आर ओक एश बीच एटसेट्रा ये आपको ट्री मिलेंगे ओक एश बीच ओके वाइल्ड लाइफ इन फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ में आपको क्या मिलेगा फॉक्सिस वोव्स डियर्स एंड कॉमन बर्ड लाइक मोनल्स एंड पीजेंट्स ये आपको बर्ड मिलेंगे फाइन नेक्स्ट इज मेडिटेरियन फॉरेस्ट Mediterranean forests आर फाउंड इन द warm टेम्परेट regions इन द वेस्टर्न margins ऑफ continent इन बोथ द hemisphere. दोनों हेमिसफेयर में आपको ये मिलेंगे टेम्परेट रीजन में जैसे कि मेन रीजन क्या है सर्दर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया नॉर्थ वेस्टर्न और आपको कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं इसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस इन दिस रीजन द समर सीजन इज़ ड्राई एंड देयर इज मॉडरेट रेनफॉल अबाउट एट्टी सेंटीमीटर ड्यूरिंग द विंटर सीजन विंटर सीजन में अस्सी सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है और समर सीजन कैसा होता है ड्राई होता है ओके एंड फीचर्स क्या है इन टाइप के ट्रीज के ट्रीज है लोंग रूट्स एंड थिक बाग्स थिक बाग मिलेगी लोंग रूट के ट्री होते हैं और बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं नट्स ऑलिव नट्स ऑलिट्रसूट एंड कोक आर सम ऑफ द प्रोडक्ट फ्रामस्ट जो इनसे मिलते हैं हमें नट्स ऑलिट्रसूट एंड कोक ओके द मेन ट्रीज फाउंड इन मेडिटेरियन फॉरेस्ट आर ओक्स ऑलि फिर एंड वाइल्ड लाइफ कैसे है यहाँ पर स्क्रल वूड रेड्स डियर रेबिट फोक्स ये आपको मिलेंगे फाइन नाउ come to the next that is coniferous forest they are also called tiger forests and are found extensively in high lati latitude between 50 degree north to 70 degree north and high mountain across eurasia from the atlantic to the pacific coast एंड एक नॉर्थ अमेरिका क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होती है यहाँ के इन दीज एरिया समर्स आर कूल एंड शोर्ट वाइल विंटर्स आर लॉन्ग एंड कोल्ड विंटर ज़्यादा टाइम के लिए होती है बहुत ठंडी होती है और जो समर्स होती हैं वो भी कूल cool होती हैं और शोर्ट टाइम के लिए होती हैं फीचर्स क्या है कॉनीफेरस फॉरेस्ट के फॉरेस्ट कन्जिस्ट ऑफर टोल ट्रीज इल्डिंग सोफ्ट वुड सॉफ्ट वुड होती है यहाँ पर जो पेड आपको मिलेंगे ट्रीज़ आर कॉनिकल शेप्ड विद नीडल शेप्ड लीज कॉनिकल शेप के ट्री मिलेंगे जिनकी पत्तियाँ कैसी होती हैं नीडल शेप्ड होती हैं सुई टाइप की नुकीली पत्तियाँ होती हैं इंपॉर्टेंट ट्रीज़ आर पाइन फिर एंड स्प्रूस ये टाइप के आपको ट्रीज़ मिलते हैं ल्यूम्बरिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी द सॉफ्ट वुड ऑफ़ ट्रीज़ इज़ यूज फॉर मेकिंग पेपर पेपर बनाने के लिए जो सॉफ्ट uh, वुड है इन ट्रीज़ की तो वो यूज़ होती है ल्यूम्बरिंग यहाँ की मेन एक्टिविटी है कि ये लोग अपना पेड़ों को काट के और उनसे पेपर बनाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी करते हैं नाउ वाइल्ड लाइफ कैसी है वाइल्ड लाइफ फॉर बियरिंग एनिमल लाइक बीवर्स फोक्सिस लाइनक्स सेबल मिंक एंड हेयर ये आपको इंपॉर्टेंट एनिमल्स मिलेंगे एंड कार्बियन रेन डियर मूज एटसेट्रा बियर्स एंड वोल्स आर ऑल्सो कॉमन ओके नाउ डिड यू नो ल्युम्ब्रिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्युपेशन इन द कॉनी फॉरेस्ट ट्री क्योंकि सॉफ्टवुड होती है तो ल्युम्ब्रिंग यहाँ की इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है कैनेडा इस चीज के लिए फेमस है ल्युम्ब्रिंग मीन्स द हार्वेस्टिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड यूटिलाइजिंग द फॉरेस्ट प्रोडक्ट

grasslands these are the area which have moderate to low rainfall support vegetation in the form of grass and no trees the deep and extensive root system of grass is able to absorb water from the soil even in the dry months also the thin blades of the grass conserve water by reducing transpiration ग्रासलैंड्स क्या होते हैं जहाँ पर आपको पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे दूर दूर तक क्या मिलेंगे ग्रासेस ही ग्रासेस मिलेंगे मॉडरेट रेनफॉल होती है यहाँ की तो टाइप ऑफ ग्रासलैंड कौन कौन से हैं टू टाइप के हैं फर्स्ट है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आपको कहाँ मिलेंगे इनकी लोकेशन है इन ट्रॉपिकल जोन और इधर साइड ऑफ ट्रॉपिक रेनफॉर्स इन अफ्रीका ब्राजील एंड हाईलैंड पार्सो बोल्विया

ज्यादा बारिश नहीं होती इसीलिए घने जंगल नहीं है यहाँ, सिर्फ टोल ग्रास आपको मिलेगी एंड कैटल रियरिंग इज कैरीड आउट ऑन दीस ग्रासलैंड अब ग्रासलैंड पर क्या ऑक्यूपेशन हो सकती है कैटल रियरिंग पशुपालन होता है ओके okay? फीचर्स क्या हैं इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के टोल ग्रास इज द कॉमन साइट बट नियर रिवर बैंक्स एंड वाटर होल्स ट्रीज कैन बी सीन व्हिच आर डेसीडियस इन नेचर टोल ग्रास आपको देखने को यहाँ मिल सकते हैं लेकिन जो नदी के किनारे हैं या वॉटर होल के पास आप बड़े बड़े पेड़ भी देख सकते हो ओके क्लाइमेट सपोर्ट ऑफ ऑफ कोर्स एंड थ्री टू फोर मीटर टोल ग्रास रेफर टू एज एलिफेंट ग्रास इतनी बड़ी बड़ी ग्रास होती है यहाँ पर ये यह देखो आप पिक्चर में एलिफेंट ग्रास जिनकी हाइट तीन से चार मीटर तक होती है ओके okay? इकोनॉमी ऑफ सवाना ग्रासलैंड इज बैकवर्ड एंड हार्श क्लाइमेट कैन नॉट सपोर्ट रिच एग्रीकल्चर एंड एनिमल रियरिंग जो एक ग्रासलैंड है ये ज्यादा एग्रीकल्चर को और एनिमल रियरिंग को सपोर्ट नहीं कर सकते ना वाइल्ड लाइफ कौन कौन सी आपको वाइल्ड लाइफ मिलेगी वाइल्ड लाइफ अलग 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 टाइप के मिलेगी राइनोज लायन जिराफ जेब्रा वॉल ये आपको देखने को मिल सकते हैं सेकेंड टाइप की ग्रास लैंड है टेम्परेट ग्रास लैंड टेम्परेट ग्रास लैंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेट ग्रास लैंड दे आर फाउंड इन कूल टेम्परेचर एरिया इन इंटीरियर्स ऑफ कॉन्टिनें सेंट्रल एशिया फ्रॉम ब्लैक सी टू सेंट्रल रशिया नॉर्थ सेंट्रल यू एस एंड सर्दर्न कैनेडा साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड सर्दर्न अफ्रीका एंड अर्जेंटीना क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा टेम्परेचर रहता है यहाँ का वोम एंड मॉय समर रहती है एंड कोल्ड स्नोई विंटर्स होती हैं फीचर्स क्या हैं यहाँ के टेम्परेट ग्रासलैंड है पेम्पल्स इन साउथ अमेरिका वेल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड डाउंस इन ऑस्ट्रेलिया अलग अलग देश में इन ग्रास लैंड को अलग अलग नाम से जाना जाता है द टेम्परेट ग्रास लैंड आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैटल एंड शिप रियरिंग और टेम्परेट ग्रास लैंड जो है ये शिप रियरिंग के लिए कैटल रियरिंग के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है वाइल्ड लाइफ कैसी है यहाँ की दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द ग्रास लैंड लाइक एंटीलोप हॉर्से जिराफ एंड लैपर्स वोल वाइल्ड डोग्स रैबिट एटसेट्रा कंगारू एंड फ्लाइटलेस बर्ड एम इज ऑल्सो फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया नाउ कम टू द नेक्स्ट दैट इज अबाउट डेजर्ट डेजर्ट क्या होता है अ लार्ज एरिया दैट स्पोर्ट्स ओनली स्पार्स वेजिटेशन बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम ऐसा बड़ा एरिया जहाँ पर सिर्फ कुछ वेजिटेशन हो सकती है क्योंकि ड्राइनेस इतनी होती है बारिश नहीं होती तो उसको क्या कहेंगे डेजर्ट दैट इज़ जो आप बोलते हो रेगिस्तान या फिर मरुस्थल एक्सट्रीम कोल्ड इन कोल्ड डेजर्ट ब्रॉडली स्पीकिंग डेजर्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स हॉट डेजर्ट डेजर्ट एंड कोल्ड दो टाइप के डेजर्ट होते हैं हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट डेजर्ट वेजिटेशन फर्स्ट है आपके टाइप के हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट्स कहाँ पर हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट ये आपको मिलेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल थार डेजर्ट है या सहारा डेजर्ट है दीज आर द एग्जांपल ऑफ ट्रॉपिकल डेजर्ट एंड द बिगेस्ट डेजर्ट सहारा इज सिचुएटेड इन नॉर्थ अफ्रीका वाई लद्दाख इज़ सिचुएटेड इन इन द पार्ट ऑफ इंडिया एंड सहारा डेजर्ट इज़ अ हॉट डेजर्ट बट लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट की बात कर रहे थे हम तो सहारा डेजर्ट जो है जहाँ पर गर्म टेम्परेचर रहता है वोम रहता है वो आपका हॉट डेजर्ट है लद्दाख जो कि एक ठंड एरिया है ठंडा एरिया है कोल्ड टेम्परेचर रहता है वो आपका एक कोल्ड डेजर्ट है यानी दोनों ही वेजिटेशन को सपोर्ट नहीं करते क्योंकि रेनफॉल बहुत कम होती है पर टाइप इनके अलग अलग हैं क्लाइमेटिक कंडीशन इट इज़ अ हॉट एंड ड्राई विद स्कैंटी वेरी लो रेनफॉल हॉट एंड ड्राई होते हैं और बहुत कम बारिश होती है फीचर्स प्लांट्स इन डेजर्ट आर स्कॉर्सार्स बट एडेप्टू एक्सट्रीम ड्रॉड कंडीशन बाय डेवलपिंग सफिशियंट स्टेम्स एंड लॉन्ग रूट एंड लीव आर रिड्यूस टू स्पाइंस प्लांट्स बहुत कम ग्रो होते हैं ऐसे प्लांट ग्रो होते हैं जिनकी लॉन्ग रूट होती हैं और नुकीली पत्तियाँ होती हैं सिर्फ वही उग पाते हैं वाइल्ड लाइफ कैसी है डिस्पाइट हार्स कंडीशन डेजर्ट आर नोट डेवलप्ड ऑफ नोट डिवाइड ऑफ वाइल्ड लाइफ हॉट डेजर्ट होम टू कैमल्स एंड सेवरल काइंड ऑफ़ स्नैक रेड लिजर्ड एंड इंसेक्ट वेजिटेशन नहीं है यहाँ पर क्योंकि बारिश नहीं है तो वेजिटेशन नहीं है तो वाइल्ड लाइफ भी बहुत कम है लेकिन है जैसे कि कैमल और सेवरल काइंड ऑफ स्नैक रेप्टाइल वगैरह हैं ये हॉट डेजर्ट में आपको मिलेंगे एंड लियामा विच इज़ द बिलोंग टू द फैमिली ऑफ कैमल्स आर फाउंड इन द डेजर्ट एंड ऑन द हाई प्लेट्यू ऑफ साउथ अमेरिका द याक इज़ रीजन टुंड्रा भी आपके टाइप ऑफ डेजर्ट हैं. लोकेशन टुंड्रा मीन्स अ बैरन लैंड एक बंजर धरती जिसको बोलते हैं टुंड्रा दैट इज लोकेटेड इन नॉर्थ कैनेडा नॉर्थ रशिया नॉर्थ स्वीडन एंड फिनलैंड आइलैंड इन आर्कटिक ओशियन क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होती है लॉन्ग एंड सर्व कोल्ड विंटर एंड वेरी शॉर्ट कोल्ड समर्स फीचर्स और ट्री लेस रीज़न एज ट्रीज डू नॉट ग्रो एट टेम्परेचर बिलो टेन डिग्री सेल्सियस और ठंडा टेम्परेचर होता है और ट्री दस डिग्री सेल्सियस से नीचे जहाँ टेम्परेचर होता है वो ग्रो नहीं कर पाते तो ट्रीलेस रीजन है यहाँ कोई पेड़ आपको देखने को नहीं मिलेगा

इज अ लार्ज वेराइटी बर्ड्स फीड ऑन द इंसेक्ट्स इन द ऑनशियंस आर फाउंड कोल्ड अ वेर कॉमन वेराइटी ऑफ फिश वाइल्ड वेल्सर्स एटसेट्रा इन द अंटार्कटिक रीजन दे आर फाइव वेराइटीज ऑफ पैंगविन दैट आर परमानेंट रेजिडेंट कोल्ड में आप देखोगे पोलर बियर पैंगविन ये आपको मिलेंगे और हॉट में देखोगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रेन डियर और डिफरेंट टाइप ऑफ रोडेंट्स आप देख सकते हो ओके तो दीज आर द सम एग्जाम्पल now come to the next topic that is how to protect natural vegetation and wildlife mm -hmm. human being cannot survive without plant and animal plant or animal plant survive animal? no we can't survive we depend both of on them for food clothing and other useful things we get wool and medicine plants fruits nuts etc from forest we use grassland as grazing ground for our animals and for growing crops even wildlife has economic importance because it attracts tourists वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है ज़ू ओपन ओपन कर सकते हैं बहुत सारे नेशनल पार्क ओपन कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ओपन किए हैं और भी हमें एनिमल से वूल मिलती है और काफ़ी चीज़ें हमें मिलती हैं और प्लांट से हमें वूड मिलता है मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं फ्रूट्स मिलते हैं नट्स मिलते हैं तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओवर द ईयर्स वी हैव हंटेड एनिमल्स फॉर मीट स्किन टस्क एंड अदर थिंग्स और एनिमल्स को हंट कर रहे हैं लोग ठीक है इसी लिए बिल्डिंग बनाने के लिए घर बनाने के लिए बढ़ती पॉपुलेशन के कारण फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं ग्रास लैंड्स को क्लियर कर रहे हैं बड़े बड़े फार्म बनाने के लिए जो कि बिल्कुल गलत है एक दिन क्या होगा अगर यही चलता रहेगा तो शायद अर्थ पर कोई भी वेजिटेशन नहीं रहेगी कोई भी एनिमल नहीं रहेगा और अगर हम बात करें मैनी अदर्स आर नाउ थ्रेटेड विद एक्सटिंक्शन बहुत सारे एनिमल और प्लांट स्पीसीज जो हैं वो लुप्त हो चुके हैं ख़त्म हो चुके हैं और बहुत सारे खतरे में हैं जो हो सकते हैं हार्म टू द और एनिमल्स टू ऑफ एन इकोसिस्टम कैन बी डिस्टेरियस इसीलिए हमें इनको हार्म नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए क्योंकि हमारे लिए हार्मफुल होगा ठीक है कोई भी ग्रास लैंड है उसको अगर हम ख़त्म कर देंगे वहाँ के एंटीलोप और लैन है वो कहाँ जाएंगे ठीक है वो क्या खाएँगे वो ग्रास लैंड के एनिमल्स को ही तो खाते हैं ऐसे जो फूड चेन ऑफ फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है क्लियरिंग ऑफ वेजिटेशन हैज़ मैनी इफेक्ट अगर हम वेजिटेशन या फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं उससे भी बहुत सारा नुकसान होता है डिफॉरेस्टेशन से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है रेनफॉल कम हो रही है और सॉइल इरोज़न इंक्रीज हो रहा है इसीलिए हमें इन चीज़ों को कंट्रोल में लाना होगा ठीक है पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाना होगा और जो डिफॉरेस्टेशन है उसको बंद करना होगा और एनिमल लाइफ और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना होगा फ़ॉरेस्ट को कंजर्व करना होगा फाइन ओके बच्चों कम की पॉइंट्स, नेचुरल ग्रोथ ऑफ प्लांट लाइफ फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ग्रास टू द टोलेस्ट ग्रास इज कोल्ड नेचुरल वेजिटेशन जो भी पेड़ पौधों की छोटे प्लांट से लेके बड़े प्लांट तक जो भी ग्रोथ होती है वो किसके अंडर आती है नेचुरल वेजिटेशन फॉरेस्ट आर यूजली फाउंड इन रीजनस ऑफ हाई रेनफॉल एंड आर ऑफ़ टू टाइप्स एवरग्रीन एंड डेसीडियस फॉरेस्ट दो टाइप के होते हैं एवरग्रीन और डेसीडियस डिपेंड करते हैं वहाँ पर रेनफॉल कैसी होती है एंड टेम्परेचर फॉरेस्ट आर टेम्परेड फॉरेस्ट आर नोट एज डेंस एज द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड मोस्टली हैव मिक्स्ड वेराइटी ऑफ ट्रीज टेम्परेस्ड फॉरेस्ट इतने घने घने नहीं होते जितने ट्रॉपिकल होते हैं ओके मेडिटेरियन फॉरेस्ट हैव ब्रोड लीव एवरग्रीन ट्रीज विद लॉन्ग रूट्स थिक बास एंड वैक्सी लीव्स कॉनीफेरे फॉरेस्ट हैुड एंड सॉफ्टवुड दे आर आइडियल फॉर ल्यूम्बरिंग जो कैनिफोरेज फॉरेस्ट होते हैं वहां पर ल्यूम्बरिंग की एक्टिविटी यानी ऑक्यूपेशन के लिए कमर्शियल यूज के लिए ल्यूम्बरिंग की एक्टिविटी होती है

ट्रॉपिकल जहाँ पर लंबी लंबी ग्रासेस देखोगे एंड टेम्परेट जहाँ पर शॉर्ट ग्रासेस होती हैं नेचुरल वेजिटेशन प्रोवाइड हैबिटेंट टू वाइल्ड लाइफ एंड देर फोर ईच वेजिटेशन जोन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ वाइल्ड लाइफ यूनिक टू इट नेचुरल वेजिटेशन से वाइल्ड लाइफ को शेल्टर मिलता है इसीलिए अलग अलग वेजिटेशन में आप अलग अलग वाइल्ड लाइफ देखोगे आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे Terima kasih telah menonton!